हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, बिहार अमीन और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस है सातवां। हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पर्यायवाची शब्द हम लोग लिए हैं। इसमें पहले सब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, जैसे गंगा का क्या होता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द जो होता है, भगीरथी भी बोलते हैं, देवनंदी भी बोलते हैं, मंदाकिनी, विष्णु पदी भी बोलते हैं। उसके बाद चंद्र का चांद, चंद्रमा, द्विजरात, शशि ये भी बोलते हैं। दुर्गा को क्या बोलते हैं, चंडिका, सुभद्रा, कालिका, सिंहवाहिनी, और भी कुछ बोलते हैं, बट यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, ठीक है? नदी का क्या होता है, सरिता, तरंगिनी, आपना, टटनी। उसके बाद हवा का, वायु, पवन, अनिल, बयार। पृथ्वी का, भूमि, धरती, भू, वसुंधरा। मेघ का, बादल, जलधर, जगजीवन। अब पक्षी का हम लोग देखते हैं, पक्षी का होता है विहिंग, चिड़िया, पंछी, खेचर। उसके बाद अग्नि का, अग्नि का देखेंगे तो आग, अनल, दहन, पावक। उसके बाद असुर का देखेंगे तो धनुज, राक्षस, दैत्य, दानव। अमृत का देखेंगे तो पीयूष, सुधा, सोमरस, अभेयात। उसके बाद अश्व का, घोड़ा, घोटक, सेंधव, वाजी। आकाश का, गगन, आसमान, अंबर, नभ। उसके बाद आकाश का यहाँ पे है गगन, आसमान, अंबर, नभ, फिर से देख लिए हैं। उसके बाद गणेश का देखेंगे लंबोदर, गणपति, गजानन, भावनी, नंदन। पुत्र का, बेटा, सुत, तनय, आत्मज। उसके बाद पुत्री का देखेंगे बेटी, तनया, आत्मजा, सुता। घर का, आलय, आवास, गृह, निलय। पत्नी का, गृहिणी, जया, दारा। उसके बाद विष्णु का, केशव, चतुर्भुज, वनमाली। सरस्वती का, शारदा, भाषा, वीणा, पानी, विद्यात्री। सूर्य का, रवि, दिनकर, भास्कर, ग्रहपति। कमल का, जलज, सरोज, नलिन, कंज। देवता का हम लोग देखेंगे तो अमर, आदित्य, सूर, देव। मछली का, मत्स्य, मीन, सफरी, झक। मछली तक हम लोग देख लिए थे। दुख का देखेंगे तो पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट। पुष्प का, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। पति का, भ्राता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। उसके बाद राजा का, नृप, भूप, महीप, नरेश। उसके बाद सोना का हम लोग देखेंगे, सोना का होता है स्वर्ण, कंचन, कनक, हाटक। स्त्री का, नारी, वनिता, कांता, महिला। समूह का, समुदाय, संघ, जत्था, दल। किरण का, मरीचि, अंशु, रश्मि, प्रभा। कपड़ा का, वस्त्र, पट, वसन, चीर। आंख का, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु। ये सब हम लोग पर्यायवाची शब्द देखे कुछ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इस किस तरह से पूछा जाता है, उसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए चार विकल्प दिया हुआ, ये जो डार्क किया हुआ है, इसके जगह सेम वर्ड कौन सा यहाँ पे आ सकता है ऑप्शन में से, ठीक है? तो 1 से 30 तक हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और हम लोग उसका जो है आंसर आपको बताना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, जीवन की पाप पुण्य की कमाई अगले जन्म के जो है दुख सुख का विधान करती है। तो यहाँ पे चारों में से जो ऑप्शन सही सटीक ऑप्शन जो है, जो इसका पर्यायवाची शब्द होगा वो आपको बताना है। देखिए पहला का यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा अर्जन, ठीक है? विधान का यहाँ पे अर्जन आएगा, विधान की जगह अर्जन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आज की सभा में आपने मुक्त कंठ से मेरी जो प्रशंसा की उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ का जो है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए क्या होगा। तो कृतज्ञ का यहाँ पे होगा आभारी, ठीक है? आभारी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति के सरल मार्ग पर चलकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। सरल, सरल का जो है यहाँ पे कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द जो होगा वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। समान शब्द लगभग, 3 का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे होगा सुलभ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा सुलभ। उसके बाद आजकल संपन्न व्यक्ति ही चुनाव
लड़ने का साहस करते हैं, तो संपन्न की जगह क्या होगा, संपन्न की जगह चार का आंसर बताइए क्या होगा, तो संपन्न समृद्ध होगा, समृद्ध होगा यहाँ पे। उसके बाद है मृत्यु जीवन का चिरंतन सत्य है, मृत्यु जीवन का चिरंतन सत्य है, तो चिरंतन की जगह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा चिरंतन मतलब यहाँ पे अंतिम सत्य है, अंतिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराज पृथ्वी ने अवनी का गौरूप में दोहन कर औषधीय रूप अमृत प्राप्त किया था, अवनी का क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, अवनी का राइट आंसर क्या होगा, यहां होगा धात्री, ऑप्शन नंबर बी धात्री। तुलसी का रामचरितमानस आरंभ से अंत तक भक्ति भावना से ओतप्रोत है, आरंभ की जगह क्या होगा, यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अथ, ठीक है अथ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसार उत्पन्न नहीं होता उसका केवल आविर्भाव होता है, आविर्भाव का यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, समान वर्ड आपको चुनना है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्भव, ठीक है उद्भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों देशों की सरकारों के बीच आर्थिक मामलों पर बातचीत चल रही है, बातचीत की जगह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहां होगा वार्ता। उसके बाद है, जो अग्नि से खेलता है वह किसी दिन स्वयं को जला डालता है, जो अग्नि से खेलता है वह किसी दिन स्वयं को जला डालता है, यहाँ पे क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द, तो अग्नि का होगा अनल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहते हैं कि अमृत को पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है, कहते हैं कि अमृत को पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष। उसके बाद है, बगीचे में पंक्तिबद्ध पौधे सुंदर लगते हैं, बगीचे में पंक्तिबद्ध पौधे जो है सुंदर लगते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, पौधे का पर्यायवाची शब्द पादप होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पादप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संध्या काल में थोड़ी देर के लिए आकाश लाल हो जाता है, आकाश लाल हो, लाल का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, अरुण होगा, लाल को अरुण भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द अरुण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैल किसान का दायां हाथ होता है, बैल जो है किसान का दायां हाथ होता है, तो बैल का पर्यायवाची शब्द, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है वृषभ होगा, पर्यायवाची शब्द जो है वृषभ होगा बैल का। उसके बाद धवल चांदनी में ताजमहल दुधिया दिखाई देता है, धवल चांदनी इसका पर्यायवाची शब्द, धवल चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 15 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योत्सना, ज्योत्सना इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द, तो इसका राइट आंसर होगा सागर, सागर होगा। चिपको आंदोलन के कारण वृक्षों का कटना कम हो गया है, तो वृक्षों, वृक्षों का पर्यायवाची शब्द, तो यहां होगा तरुओ, वृक्षों का पर्यायवाची शब्द तरुओ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी चिकित्सा के लिए रोगी अस्पताल गया, चिकित्सा का पर्यायवाची शब्द, तो यहां होगा उपचार, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे जो है शिखर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, शिखर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हिमालय के गगनचुंबी शिखर सदा बर्फ से ढके रहते हैं, तो शिखर का क्या होगा, 19 का चोटी होगा, ऑप्शन नंबर बी चोटी। उसके बाद है, दार्शनिक अक्सर मानव जीवन के चरम लक्ष्य की चर्चा करते हैं, चरम का पर्यायवाची शब्द, इसका होगा अंतिम, अंतिम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मैं आपका कार्य करने को प्रस्तुत हूं, मैं आपका कार्य करने को प्रस्तुत हूं, 21 का प्रस्तुत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा तैयार, प्रस्तुत मतलब यहाँ पे तैयार होगा। देखिए इस काम का अनुक्रम टूटने ना पाए, देखिए इस काम का अनुक्रम जो है टूटने ना पाए, यहाँ पे अनुक्रम का आपको बताना है, अनुक्रम का पर्यायवाची शब्द ये होगा सिलसिला, ठीक है सिलसिला, इसका राइट आंसर होगा सिलसिला।
हरि की कथा अनंत है, हरि की कथा जो है अनंत है, अनंत का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतहीन। देखिए दोस्तों 80 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर नियम का एक अपवाद होता है, अपवाद का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, अपवाद का तो ये होगा नियम के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नियम के विरुद्ध। देखिए अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की स्वच्छंद मनोवृत्ति अच्छी नहीं मानी जाती है, स्वच्छंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यहां होगा ए आजाद, ठीक है आजाद। नेक्स्ट है, शत्रुओं का मान मर्दन बहुत जरूरी है, मान मर्दन बहुत जरूरी है, क्या होगा इसका राइट आंसर 26 का, यह होगा कुचलना, ठीक है मान मर्दन मतलब यहाँ पे कुचलना होगा, आपकी अनुकंपा से जो है मैं कुशल हूं, अनुकंपा का पर्यायवाची शब्द यह होगा कृपा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कृपा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह युद्ध में धराशायी हो गया, धराशायी का यहाँ पे बताना है पर्यायवाची शब्द, तो यहां होगा इसका राइट आंसर मारा गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पण्य भी लोभ की तरह जो है ताज्य है, तो ये कार्पण्य का हम लोग को पर्यायवाची शब्द बताना है, 29 का आंसर बताइए क्या होगा, ये होगा कंजूसी। उसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ना सुगम नहीं है, सुगम का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो 30 का ए होगा आसान नहीं है, सुगम आसान नहीं है, सुगम का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो आसान होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 से 54 तक, प्रत्येक शब्द के साथ अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 पर्यायवाची शब्द हैं और 1 जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए, ठीक है इसमें से जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है उसका चयन करना है। असुर का इसमें 3 पर्यायवाची शब्द होगा, 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे असुर का हम लोग बताइए क्या होगा, 31 का आंसर बताइए क्या होगा, असुर का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है हमको, तो असुर का यहाँ पे होगा अमर, ठीक है अमर जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये दनुज दानव मनुजाद ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द है, अंश का जो है आपको जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, ठीक है 32 का आंसर बताइए क्या होगा, तो ये अंश जो लिखा हुआ है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद अश्व का बताना है, यहाँ अश्व का बताना है पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा ए बाज जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय, अमीय का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो बताना है आपको, तो ये होगा अमृत, अमृत जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अटवी, ठीक है अटवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ये कांता जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, अंगी जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का कौन सा नहीं है, 37 का, तो राजीव जो है ये नहीं है। कमल का कौन सा नहीं है, तो कमल का जो है सौरभ नहीं है। कृष्ण का कौन सा नहीं है, तो कृष्ण का जो है राघव ये नहीं है। उसके बाद वेन टेप, वेन टेप का कौन सा नहीं है, तो सचान जो है ये नहीं है। उसके बाद तोय, तोय का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उदित। उसके बाद अन्न का कौन सा नहीं है, तो भोजन होगा यहाँ पे। ऊंट का कौन सा नहीं है, ठीक है ऊंट का बताना है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, 43 का, तो यहाँ पे होगा क्रेमेलन। उसके बाद तीर का कौन सा नहीं है, तो तुनीर होगा। उसके बाद आरोग्य का कौन सा नहीं है, तो आरोग्यता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। दक्ष का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देव प्रिय। उसके बाद खरक का कौन सा नहीं है, 47 का, तो यहाँ पे खड होगा। उसके बाद द्रव्य का कौन सा नहीं है, 48 का, तो वृत्त। पति का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है, तो भारिया। पर्वत का कौन सा नहीं है, पर्वत का, तो यहाँ होगा प्रस्तर। मदिरा का
कौन सा यहाँ पे नहीं है मदिरा का, ये होगा मदक। उसके बाद हिमकर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है, तो ये होगा हिमखंड। स्वर्ग का यहाँ होगा ब्रह्मांड। उसके बाद सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, वो बताना है 54 का, ये होगा कमला। ठीक है, कमला। अब 55 से 80 तक हम लोग को देखना है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है एक ही चारों में से सही है। ठीक है, तो वो बताना है, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, केवल एक सही है इनमें से। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द सही क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द, तो ये होगा ए वहिन। उसके बाद अंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये होगा शरीर। राक्षस का क्या होगा, राक्षस का पर्यायवाची शब्द, तो ये होगा दैत्य। दानव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये होगा राक्षस। अज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ब्राह्मण। अनंत का क्या होगा, आकाश होगा। ईश्वर का क्या होगा, ईश्वर का होगा परमेश्वर। यति का होगा, यति का पर्यायवाची सन्यासी। कर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किराया। केतु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, केतु का पर्यायवाची शब्द, तो इसका होगा पताका। खग का पर्यायवाची शब्द विहिंग। उसके बाद गुरु का पर्यायवाची शब्द शिक्षक। भवन का पर्यायवाची शब्द घर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, नीर का हो जाएगा जल। जीवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका हो जाएगा जिंदगी। तत्व का पर्यायवाची शब्द, तत्व का हो जाएगा सार। तर्कस का हो जाएगा आपको निसंग। तो हम लोग 72 का देखते हैं, जलधि का क्या होगा, यहाँ पे सागर होगा। दिन का होगा निशा। पर्वत का क्या होगा, पर्वत का गिरी होगा। पृथ्वी का क्या होगा, पृथ्वी का भूमि होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। पखेरु का क्या होगा, पखेरु का पक्षी होगा। बंदर को हड़ी बोलते हैं, हड़ी, ऑप्शन नंबर बी। 77 का बी होगा। उसके बाद महादेव का यहाँ पे आते हैं, तो महादेव का यहाँ पे चारों जो है चारों सही है। यहाँ पे पंचानन भी बोलते हैं, बागंबर धारी पिनाकी भी बोलते हैं, चंद्रशेखर भी महादेव को ही बोलते हैं। चारों जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, चारों जो है यहाँ पे महादेव का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे इंद्राणी का बताइए, इंद्राणी का क्या होगा, तो इंद्राणी का यहाँ पे इंद्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कबूतर जो है, कबूतर का क्या होगा, कबूतर का जो होगा परावत, परावत यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और दोस्तों और भी हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में हिंदी का बना दिया हूँ, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।